इस फिल्म में एक 16 साल की लड़की अपने बाप के दोस्तों के साथ इंटीमेट होती है और ऐसा करने के लिए खुद उस लड़की का बाप उसे मजबूर करता है। इस फिल्म में दिखाया है कि कैसे एक इंसान पैसों के लालच में अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता और उसका भी भरपूर इस्तेमाल करता है, मगर लास्ट में लड़की जो करती है वह एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। फिल्म की शुरुआत में हम ली नाम की एक 16 साल की लड़की को देखते हैं जो अपने फादर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती है। ली के फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO होते हैं। आज उन्हें एक बड़ी डील मिलने वाली थी। होटल में ली अपने फादर के पास आकर पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं। ली के फादर बताते हैं कि वे इस डील के लिए सेल्स पिच तैयार कर रहे हैं। ली कहती है कि क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ली के फादर कहते हैं कि नहीं, तुम होटल में रहो। इस पर ली कहती है कि अगर मैं किसी ड्रग डीलर के साथ भाग जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या। ली के फादर कहते हैं कि प्लीज ऐसा मजाक मत किया करो, तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन। ली के फादर तैयार हो रहे होते हैं तो ली उठकर उनका शर्ट ठीक करती है। ली के फादर कहते हैं कि क्या मुझे टाई पहनने की जरूरत है। तब ली कहती है कि नहीं, आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। इसके बाद ली के फादर मीटिंग के लिए निकल पड़ते हैं तो ली उन्हें गुड लक कहती है। ली होटल में बैठकर बोर हो रही थी। इसके बाद ली शावर लेकर नॉर्मल कपड़ों में बाहर चली जाती है। वाटर बॉटल लेकर वे लिफ्ट से ऊपर जाने लगती है तो लिफ्ट में एक मिडिल एज आदमी एंटर होता है। जब वह आदमी अपने फ्लोर का बटन दबा रहा होता है तो गलती से ली को टच कर देता है। ली अपनी मस्ती में एक टीनेज गर्ल की तरह बबल गम चबा रही थी। वह आदमी बड़े ध्यान से ली को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में उस आदमी का फ्लोर आ जाता है और वह बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वह मुड़कर ली को देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका होता है। ली अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसके फादर आ चुके थे। वे ली को बिना बताए बाहर जाने पर बहुत गुस्सा करते हैं। थोड़ी देर बाद वह ली के पास आकर सॉरी बोलते हैं। वे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, आखिर मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना है। ये कहकर वह ली को गले लगा लेते हैं। ली भी उनकी बात को समझती है और सॉरी बोलती है। ली के फादर ली से कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट ने डिनर रखा है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ, हमें कॉर्पोरेट डिनर करना है। ली अपने फादर का व्हाइट शर्ट लेकर पहन लेती है जिससे कि वह कॉर्पोरेट डिनर में सबसे घुल मिल सके। ली पूछती है कि क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला। तब ली के फादर कोई जवाब नहीं देते। वे ली की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम इस शर्ट में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद ली के फादर कहते हैं कि चलो अब कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही वापस आएंगे। पार्टी में ली के फादर ली को एक क्रिस्टीन नाम के आदमी से मिलवाते हैं। वे क्रिस्टीन से कहते हैं कि ये मेरी बेटी ली है। साथ ही ली को क्रिस्टीन के बारे में भी बताते हैं कि ये हमारे परचेज मैनेजर हैं। ली के फादर क्रिस्टीन को कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह क्रिस्टीन को ले जाकर साइड में बात करते हैं। ली भी क्रिस्टीन से लिफ्ट में मिल चुकी थी। ये वही आदमी था जो लिफ्ट में क्रिस्टीन को घूर रहा था। ली भी दूसरे लोगों से बात करती है, तभी उसका ध्यान अपने फादर पर जाता है जो क्रिस्टीन से किसी बात पर बहस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह आपस में किसी बात को लेकर सहमत नहीं थे। इस बहस के बाद ली के फादर काफी सैड हो गए थे। ली उनके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ डैड, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ क्या। ली के फादर उसे कहते हैं कि तुम क्या हेल्प करोगी, क्या तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हो, अगर दिला सकती हो तो दिला दो। ये कहकर वे वहां से चले जाते हैं। अपने फादर की बात सुनकर ली काफी अपसेट हो जाती है और रोते हुए टेरेस पर चली जाती है जहाँ क्रिस्टीन पहले से ही बैठा होता है। वे ली से पूछता है क्या तुम्हें ये शहर पसंद आया। ली कहती है कि कुछ खास नहीं। क्रिस्टीन सिगरेट पीते हुए उसके पास आता है और अपना मफलर उसके गले में डाल देता है। वे कहता है कि ठंड ज्यादा है। ली भी इस बात से सहमत होती है और वह कुछ नहीं कहती। क्रिस्टीन कहता है कि तुम रहती कहाँ हो। ली कहती है कि हम हर जगह रहते हैं क्योंकि डैडी की जॉब की वजह से उसे अक्सर कई जगहों पर जाना पड़ता है। वैसे मैं बहुत साल पहले स्विट्जरलैंड में रहती थी, ज्यादातर टाइम मैंने स्विट्जरलैंड में ही बिताया है क्योंकि मेरे डैड वहीं के रहने वाले हैं। तब क्रिस्टीन कहता है कि ज्यादा ट्रैवल करने से उसे अकेलापन तो नहीं लगता। वह कहती है कि नहीं, अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों से मुलाकात होती रहती है, इसीलिए उसे अकेलापन फील नहीं होता। क्रिस्टीन को उसका जवाब अच्छा लगता है। असल में क्रिस्टीन ही दूसरी कंपनी का परचेजिंग मैनेजर था जो उसके डैडी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था। ली क्रिस्टीन का मफलर निकालकर दे देती है और कहती है कि उसके फादर उसे खोज रहे होंगे, इसीलिए मुझे जाना होगा। ये कहकर ली नीचे जाती है। नीचे कॉर्पोरेट मीटिंग स्टार्ट होती है तो ली भी उसके साथ बैठी होती है। क्रिस्टीन ठीक ली के बगल में बैठा होता है। ली के फादर क्रिस्टीन को समझाने लगते हैं कि हम कम कीमत में आपको बेहतर कॉर्पोरेट देंगे, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो।
क्रिस्टीन कहता है कि थोड़ा कीमत कम करो। इसी बीच क्रिस्टीन ली के पैरों को गलत इंटेंशन से टच करता है, जिससे ली उसे घूरती हुई अपना पैर मोड़ लेती है। वह बहुत ही अजीब महसूस कर रही थी। ली के फादर ये सब देख रहे होते हैं, फिर भी वह हल्का सा मुस्कुराते हैं। ली इसका मतलब समझ नहीं पाती और वह उठकर चली जाती है। ली के फादर उसके पास आते हैं तो वह अपने फादर से कहती है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है। तब उसके फादर कहते हैं कि कॉर्पोरेट में सब लोग ज्यादा ही ओपन होते हैं, इसीलिए यहाँ ये सब आम बात है। इसके बाद ली के फादर ली को होटल के अंदर चलने के लिए कहते हैं। ली के फादर उसे मनाकर होटल के अंदर ले आते हैं, जहाँ डिनर के बाद लोग ड्रिंक और डांस कर रहे होते हैं। क्रिस्टीन ली को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। पहले तो ली हिचकिचाती है, फिर क्रिस्टीन के साथ डांस करने लगती है। डांस करते हुए ली अपने फादर की तरफ देखती है, जो उसे देखते हुए भी इग्नोर करते हुए पार्टी में बिजी होते हैं। वह सोचती है कि उसके फादर उसे डांस करने से रोक क्यों नहीं रहे हैं। वे क्रिस्टीन को छोड़कर अपने फादर को डांस के लिए कहती है, लेकिन उसके फादर उसे मना कर देते हैं। क्रिस्टीन धीरे धीरे ली को पार्टी की दूसरी तरफ ले जा रहा था। डांस करते हुए ली बार बार अपने फादर की तरफ देखती थी कि वह उसे रोक क्यों नहीं रहे हैं। डांस करते करते क्रिस्टीन और ली ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब ली भी क्रिस्टीन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है। वह देख रही होती है कि उसके फादर अपनी ही मस्ती में पड़े हुए हैं। वह उसकी तरफ देखकर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ली को यह सब बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज से पहले उसके फादर ने इतना फ्रीडम उसे कभी नहीं दिया था। धीरे धीरे क्रिस्टीन ली के काफी करीब आ जाता है और डांस करते करते उसे किस करने लगता है। ली अपने डैडी की तरफ देखती है, उसके डैड भी उसकी तरफ देखते हैं। ये सब देखकर भी उसके डैडी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। ली को ये सब बड़ा अजीब लगता है। तभी क्रिस्टीन उसका ध्यान भटकाते हुए कहता है कि यहां से बाहर चलते हैं। ली कहती है कि हाँ चलते हैं। ली अजीब से कश्मकश में पड़ी हुई थी और ना चाहते हुए भी क्रिस्टीन के साथ उसके कमरे में चली जाती है। क्रिस्टीन उसे ड्रिंक करने के लिए वोडका देता है। वोडका पीते हुए ली की सांसें तेज चल रही होती हैं। थोड़ी देर में क्रिस्टीन ली के पीछे आकर उसे किस करने लगता है, जिसके बाद ली और क्रिस्टीन कमरे में ही इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के तुरंत बाद क्रिस्टीन उठकर वहां से चला जाता है, जबकि ली अभी वहीं बैठी होती है। ली सोचने लगती है कि ये कुछ कहे बिना ही यहाँ से क्यों चला गया। ली वापस वे पार्टी हॉल में जाती है। ली देखती है कि पार्टी अभी चल रही होती है। ली अपने डैड को खोजते हुए उसके पास जाती है तो देखती है कि क्रिस्टीन और उसके डैड आपस में बात करते हुए बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। यही लोग थोड़ी देर पहले आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों मिलकर किसी चीज की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ली को समझ आ जाता है कि उसके फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, ये उसी का सेलिब्रेशन है। ली भी उसके पास जाकर एक वाइन का ग्लास ले लेती है। ली के फादर उसके कान के पास आकर कहते हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये बात ली पहले ही समझ चुकी थी कि कैसे क्रिस्टीन और उसके रोमांस के बाद उसके फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वे देखती है कि क्रिस्टीन भी उससे नजरें चुरा रहा होता है। वे अपने फादर को कमेंट करते हुए कहती है कि ग्रेट वर्क डैड। इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुमने ज्यादा पी ली है। ली कहती है कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं की है। इसके बाद ली क्रिस्टीन को सबके सामने ही किस करने लगती है। तब उसके फादर उसे पीछे खींचने लगते हैं। ली अपने फादर का हाथ झटक कर होटल के बाहर चली जाती है। ली के फादर सबको सॉरी बोलकर उसके पीछे जाते हैं। ली एक टैक्सी को आवाज देती है। ली के फादर उसके पास जाकर उसका कोट उसे पहनाने लगते हैं। इस बात पर ली रोने लगती है। तब ली के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ली समझ गई थी कि उसके फादर ने एक डील के लिए उसका इस्तेमाल किया था। इधर वो क्रिस्टीन से भी नाराज थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके बीच कुछ और भी है, लेकिन क्रिस्टीन ने भी उसका इस्तेमाल किया था। ली के फादर उसे समझाते हैं कि कल तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ली अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसके फादर ने उसका विश्वास तोड़ दिया था। ली उनसे हाथ छुड़ाकर जाने लगती है। ली के फादर कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ, मेरा तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं है। ली ये सुनकर रोने लगती है, फिर भी वह नहीं रुकती और टैक्सी में बैठकर जाने लगती है। पीछे उसके फादर अकेले ही रह जाते हैं। जब विश्वास टूटता है तो इंसान का उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डोर बहुत पतली होती है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दूसरी फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। इसके लिए एक लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।